गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल विच इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ए बी सी डी आपकी कोई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर है, एफ आई जी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। चार लाइन सेगमेंट है आपका, ए बी बी सी सी डी डी, तो चार लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इन एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। चार लाइन से घिरी हुई कोई बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज फोर वर्टिसेस। कितने फोर वर्टिसेस, ए बी सी डी। वर्टिसेस क्या है, जो कॉर्नर पॉइंट मिला हुआ है, ए बी सी डी, दीज ऑल आर वर्टिसेस। वर्टेक्स सिंगुलर टर्म है, वर्टिसेस वर्टिस हो जाएगा बहुत सारे होंगे जब, ठीक है। यहाँ चार हैं, सिंगल होता तो हम बोलते वर्टेक्स वर्टेक्स। यहाँ चार चार कॉर्नर है तो बोलेंगे वर्टिसेस। अब बोलेंगे फोर साइड्स, एक साइड होती तो साइड बोलते हैं, फोर है तो फोर साइड्स, ए बी बी सी सी डी डी। अब साइड आप देख सकते हो, ए बी जो पहला लाइन सेगमेंट है, साइड बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ए साइड है, राइट। फोर एंगल्स, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ठीक है। जो कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है ये वाला एंगल है। एंगल मतलब आपका कैसे फॉर्म होता है आपको पता है कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट या रे आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो हमें जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा वहाँ में एंगल मिल जाएगा। तो ये आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, आपस में मीट कर रही है ए पॉइंट पर, तो आपको एंगल मिलेगा। ये आपको कॉर्नर पॉइंट डी है तो यहाँ पर आपको एंगल डी मिलेगा, सी यहाँ पर बी यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं टू डायगोनल्स। डायगनल्स क्या होती है बच्चों, इसको ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायगनल्स कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो चार वर्टेक्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को अगर कोई लाइन सेगमेंट मिला रहा है, और लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट है ए सी लाइन सेगमेंट विच जॉइन टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, तो ए और सी आपस में क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। क्यों है, क्योंकि ए के बाद में क्या है, बी, सी नहीं है। अगर जो ऑर्डर हमारा ए के बाद बी आना चाहिए लेकिन यहाँ सी है, तो ए सी आपका नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। अब देखिए सी के बाद में डी, तो सी डी को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, क्या है, सी ए को ज्वाइन कर सकती है, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए बी 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 सी आपका डायगनल नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये लगातार आ रहा है, ठीक है, बी के बाद सी, लेकिन बी और डी को हम ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाएगी या ज्वाइन करेगी, ठीक, तो हम उसको बोलते हैं डायगनल्स। तो डायगनल्स कौन से हो जाएंगे, यहाँ ए सी एंड बी डी। क्वाड्रिलेटरल में हमें बच्चों दो डायगनल्स मिलती है, ट्राइंगल में कितने मिलेंगे, एक भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो तीनों वर्टेक्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड, जो पास पास वाली साइड्स हैं, ए बी, यानी टू साइड्स हैव अ कॉमन एंड पॉइंट जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा। तो देखिए अगर मैं ए बी और मैं बी सी की मैं बात करूँ, ए बी और बी सी की बात करूँ, ए बी बी एंड बी सी, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, बी, तो बी एक कॉमन पॉइंट मिल गया एंड पॉइंट, तो ए बी और बी सी आपकी क्या हो जाएगा, ए बी एंड बी सी एडजेसेंट साइड। ऐसे आप ए डी और सी डी को चेक कर सकते हो, सी डी और बी सी को चेक करोगे तो यहाँ पर सी कॉमन पॉइंट मिल रहा है। ए बी और डी ए को देखिए, ए बी ये ए बी है, ये डी ए, तो कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, डी ए एंड ए बी, तो ए पॉइंट यहाँ पर क्या आपको कॉमन एंड पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर दोनों साइड्स में, तो ये एडजेसेंट साइड होगी। अब अपोजिट साइड्स क्या होगी, टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट।
अब देखिए अगर ए बी के अपोजिट में देखिए ये सी डी, यहाँ कोई भी आपका कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, ए बी साइड और सी डी, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ये अपोजिट साइड है, ठीक है, क्योंकि सी डी में एंड पॉइंट क्या है, सी और डी है, और यहाँ पर एंड पॉइंट क्या है, ए और बी है, ये लाइन सेगमेंट है ना, तो इसका एंड पॉइंट एक ए है एक बी है, इसका सी है इसका डी है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे कि अपोजिट साइड है। ऐसे ही ए डी एंड बी सी विल बी द अपोजिट साइड्स, राइट, क्योंकि इन दोनों में भी कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी जो अपोजिट है, देखिए एंगल ए और एंगल बी एंगल सी जो अपोजिट है एक दूसरे, ए के अपोजिट क्या है सी, बी के अपोजिट क्या है डी, तो ये आपस में क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल। अब हम एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे, तो क्या है एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल जिसमें एक आपकी क्या साइड कॉमन होगी, जैसे एंगल ए और एंगल बी में देखिए तो साइड कौन सी कॉमन है, ए बी, क्योंकि दोनों एंगल एक ही साइड पर बने हुए हैं, ठीक है, बेस उनका सेम है। ऐसे ही अगर हम एंगल बी और एंगल सी की बात करें तो क्या है, दोनों एंगल बी सी साइड पर बने हुए हैं, तो बी एंगल और सी एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी विल बी एडजेसेंट एंगल, कहने करते जिसमें कॉमन मिलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा एडजेसेंट पार्ट, और जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं हम अपोजिट। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए।